हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप देखा बैक टू यू अगेन फ्रॉम स्मार्टवे गुवाहाटी। हाँ, हम आज टॉपिक जो करेंगे दिस इज मिक्सचर एलिगेशन। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ये, ठीक है। इजी तो मैं नहीं कहूँगा, वैसे ये टॉपिक वन ऑफ द हार्ड टॉपिक है जो IBPS या फिर बैंक में आता होगा, ठीक है। फैकल्टीज को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही होनहार तरीके से पढ़ाऊंगा। एक कॉपी पेन नोटबुक जो भी होंगे, जिसको लिखे हाथ पे हो, किसी भी वे पे लिखना जरूर ट्राई कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके लिखते रहिएगा और मैं जो बताता हूँ सारे टेक्निक्स को, सारे थ्योरीज को या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही उमदा क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। मेरे पास आज 10 बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है जो प्री एंड मेंस में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपको, आपका अपना चैनल दिस इज स्मार्टवे गुवाहाटी। तो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक टफ क्वेश्चन ही है। उसमें ये बोला जा रहा है कि एक जो आपके पास बीकर है उसमें 7:5 का रेशियो है, ठीक है। शुरुआत में 7:5 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। उसके बाद क्या बोल रहा है वो लोग कि 9 लीटर इस मिक्सचर का निकाल दिया गया है, इस मिक्सचर का 9 लीटर निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद 9 लीटर इसमें वाटर डाल दिया गया है, 9 लीटर वाटर डाल दिया गया है। उसको डालने के बाद क्या हुआ है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये 1:1 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बस ये शॉर्टकट, बस जो डाटा चाहिए मैंने उसको लिख रखा है। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि इतना रेशियो था, निकाल दिया 9 लीटर उस वॉल्यूम में से, उसके बाद 9 लीटर वाटर को ऐड कर दिया, उसके बाद रेशियो में कुछ बदलाव आ गया, ठीक है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसको कुछ बीकर के हिसाब से मान लेंगे। देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये आपके पास 7:5 का है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसमें से मैं अगर 9 लीटर को मिक्सचर को निकाल दूँ, 9 लीटर मिक्सचर को अगर मैं इसमें से निकाल दूँ, इसके रेशियोज में क्या कुछ बदलाव होंगे? बदलाव बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इसके रेशियोज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि अगर रेशियोज में कुछ बदलाव होता तो देखिए डॉक्टर आपको क्या बोलता कि पूरा का पूरा विटामिन का बॉटल ही खाने के लिए बोल देता फिर, है ना। तो बॉटल तो खाने के लिए नहीं बोलते, डॉक्टर को भी पता है या फिर आपको भी पता है इस चीज़ को कि आपके पास उसमें एक चम्मच विटामिन पीने से भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रेशियोज सेम ही रहता है उसमें, है ना। तो इतना रेशियो आपके पास मिल्क और वाटर का है। बदलाव तब आएंगे जब इसमें आप कुछ हरकत कर रहे हो। ये हरकत क्या है कि आपने 9 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया। 9 लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये जो रेशियो बन रहा है, ये रेशियो आपके पास मिल्क और वाटर का 1:1 का है, ठीक है। रेशियो जो है आपके पास 1:1 का है। देखिए, आपने जिस चीज़ के साथ छेड़छाड़ी नहीं किए होंगे उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम सेम बनवा लेते हैं। देखो, मिल्क के साथ छेड़छाड़ी नहीं करे हम लोगों ने, तो मिल्क के साथ अगर मैंने छेड़छाड़ी नहीं करे होंगे तो मिल्क को हम लोग को सेम बनवाना चाहिए। तो सेम बनवाने के लिए क्या करते हैं, ये 1:1 बन गया था आपके पास, तो ये 1:1 को मैंने दोबारा लिख लिया है। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 करवाना पड़ेगा। अगर ये 7 हो गया तो ये भी 7 होगा। कैसे हुआ होगा 7, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 7 के साथ, ठीक है। तो ये 7 बनवाना पड़ा जिसके साथ आप छेड़छाड़ी नहीं करते, और वैसे भी दूध के साथ कौन छेड़छाड़ी करते हैं ना, छेड़छाड़ी आप लोग को पता है किसके साथ होता है। और देखिए, मिल्क और वाटर के साथ 7:7 बन गया होगा। इसके साथ बात देखिए कि ये जो आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 रेशियो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 2 रेशियो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितने की वजह से, ये 9 लीटर की वजह से। तो 2 रेशियो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस 9 लीटर की वजह से, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइनल मिक्सचर में आपके पास कितना वॉल्यूम है, फाइनल मिक्सचर में कितना वॉल्यूम है आपके पास, 7 और 7 मिलके 14 रेशियो है, 14 रेशियो का वॉल्यूम है। 2 से अगर मुझे 14 तक जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई 7 करना पड़ा, 9 से अगर मुझे जाना चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिलता है, ठीक है। अच्छा, कोई कोई ये भी पूछ सकता है कि सर मैंने 7:5 के साथ क्यों निकाला, ये भी तो टोटल ही आपके पास है। ये वाला तब का मिक्सचर है जब आपने इससे 9 लीटर निकाल दिया गया था, ये उसका रेशियो है, ठीक है। कोई अगर इसके साथ करना चाह रहा तो वो भी कर सकता है। इसमें टोटल कितना होता है, टोटल आपके पास 12 होता है। तो 12 रेशियो अगर आपको निकालना है तो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब इसके साथ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके साथ क्या हुआ, 54 हुआ। लेकिन ये 12 रेशियो का है, ये तब की बात है जब आपने 9 लीटर निकाल दिया गया है। इसमें से अगर मैं 9 लीटर ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें भी 63 आएगा, ठीक है। आप ऐसे करो या फिर वैसे करो, आप डायरेक्टली इसमें से भी जा सकते हो। यही वाला चीज़ है कि आपको मर्ज किसके साथ करना चाहिए, फाइनल वाला जो आउटपुट है उसके साथ मर्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली ये नहीं बताना चाहता, इतना लंबा प्रोसेस मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मैं इतना लंबा टाइम के लिए इस चीज़ को लिख के नहीं रख सकता। हम कुछ अच्छा सीखेंगे इसमें। इसमें क्या है, मैं इसको टोटल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट मानता हूँ। एक्चुअली टोटल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है, जो आपके पास मिल्क और ये वाटर वाला था,
इसके पास शुरुआत में क्या लिखा था, 7:5 का लिखा था, ठीक है, शुरुआत में इसमें 7:5 का लिखा हुआ था। अब इसमें ये देखिए कि ये जो 7:5 है उसके बाद में क्या बना, 1:1 बना। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जो 7:5 मिलके टोटल कितना होता है, 12 होता है, तो फाइनल आउटपुट में कितना कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। फिर आप बोलोगे सर कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि 9 लीटर निकल गया, 9 लीटर फिर डाल दिया गया है ना, तो फाइनल में उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए। 7 और 5 मिलके अगर 12 होता है तो मुझे इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। फिर 12 बनवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं 6 और इसको इस पर भी मैं 6 उतार दूँगा, ठीक है। तो ये टोटल इसमें भी 12 है उसमें भी 12 है, टोटल वॉल्यूम आपके पास सेम रखा है मैंने। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो शुरुआत वाला जो इनिशियल रेशियो होता है और जिसके साथ हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, इसमें देखिए मिल्क के साथ मैंने छेड़छाड़ी नहीं करा है, जिसके साथ हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करते उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम मानते हैं। आपको अगर ये निकालने के लिए दे तो सिंपल आपको 7 रेशियो का निकालना चाहिए। फिर अच्छा जो मिल्क वाला पार्ट है उसमें भी मुझे बदलाव दिखा है, इसमें तो बदलाव दिख रहा है, बदलाव कितना दिख रहा है, 1 रेशियो का दिख रहा है। इस वाले पार्ट का बस खेल इस टोटल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट में, जिसके साथ छेड़छाड़ी नहीं होता है, ठीक है। 7 और ये 5 है, ये मैंने 6 और 6 बनवा दिया, इसमें 12 है तो मुझे इसको भी 12 बनवाना पड़ा, जस्ट बिकॉज टोटल वॉल्यूम आपके पास सेम होना चाहिए। मैंने बोला कि मिल्क जिसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुआ, वाटर के साथ छेड़छाड़ी हुआ, तो मैं मिल्क वाले पार्ट को लूँगा फिर, ठीक है। तो आपके पास देखिए कितना बदलाव हुआ है, 1 रेशियो का बदलाव हुआ है, 1 रेशियो का बदलाव हुआ है कितने की वजह से, 9 की वजह से, है ना। तो मैंने क्या बोला, टोटल वॉल्यूम आपके पास ये है, 7 कितना होगा, 763 होगा। 1 अगर 9 है, 7 कितना होगा, 763 होगा, यही आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप आइदर उस मेथड में करना चाहो या फिर इस 2 लाइनों वाली मेथड से करना चाहो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसी के आसपास के हिसाब से हम लोग और 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में खुद जाए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली चैनल को फॉलो भी कीजिएगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं बेसिकली बताता नहीं हूँ चैनल को फॉलो करने के लिए, जिसको पढ़ने का मन है डेफिनेटली वो फॉलो कर ही लेगा। अच्छा हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते, फिर शुरुआत में आपके पास 5 और 3 का रेशियो था, ये फर्स्ट मेथड जो हम लोग उस टाइम पे बोल रहे थे, जिससे मैं करूँगा नहीं, बस समझने के लिए है, 5 और 3 का रेशियो है। उसके बाद आपने क्या करा, 16 लीटर इसको निकाल दिया गया। उसके बाद भी आप क्या बोलोगे कि सर क्या हुआ है रेशियो, रेशियो आपके पास सेम ही रहा है 5 और 3 का, चेंज तब होंगे जब इसमें आप हरकत क्या करोगे, 16 लीटर आप डाल दोगे क्या, डीजल, 16 डीजल डाल दिया, डीजल डालने के बाद आपके पास रेशियो में क्या आया होगा, सर रेशियो में 3:5 आया होगा, है ना, रेशियो 3:5 का रेशियो बना है। देखिए फिर उसके बाद हम लोग क्या करते, इस वाले पार्ट को हम लोग सेम बनाते जिसके साथ हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करते, 3:5, तो ये सेम वाला पार्ट है, ये पेट्रोल वाला पार्ट है, ये डीजल वाला पार्ट है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो मुझे सेम बनाने के लिए मुझे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मुझे ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। इसको करने के बाद हमारे पास कितने आएंगे, सर इसमें आपके पास 15 आ गया, इसमें आपके पास 9 आ गया, इसमें आपके पास फिर से 15 आ गया, इसमें 25 आ गया, है कि नहीं। तो आपके पास फिर देख सकते हो चेंजेस कितना है, चेंजेस सर 16 रेशियो का है, 16 रेशियो का चेंजेस किसके वजह से, 16 लीटर की वजह से, तो 1 रेशियो का चेंज 1 लीटर की वजह से, 1 रेशियो का चेंज 1 लीटर की वजह से फाइनल कितने वॉल्यूम है पूछ रहे हैं, तो 40 है मेरे पास, तो 40 रेशियो कितने के लिए होंगे, 40 लीटर के लिए होंगे, तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। लेकिन मैं जिस मेथड से कर रहा था ये मेथड वो नहीं था, है ना, ये बस दिखाने के लिए था, मैं अपनी मेथड में बताता हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है, चलिए फिर क्या बता रहा था, 5 और 3 था मेरा अपना कॉन्सेप्ट वाला जो था, बिना बिकर बनाए हम लोग करेंगे, 5 और 3 का था, उसके बाद 3 और 5 का था, हम लोग इस टोटल वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग करते हैं, है ना, सेम बनाना है। इसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम भी सेम है, तो आपको कुछ करना ही जरूरत नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम सेम है। और आप लोग को मैंने क्या बोला था, जिसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करते, पेट्रोल के साथ नहीं करा, इसमें डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, सर 2 रेशियो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 2 रेशियो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितने के वजह से, सर 16 के वजह से, ठीक है, 2 रेशियो का डिफरेंस 16 के वजह से क्रिएट हो रहा है। 1 का मतलब कितना होगा, 8 लीटर के वजह से होगा, ठीक है, 1 का 8 लीटर के वजह से होगा, तो हमको पता है शुरुआत में बोला था मैंने ये 5 जो है इनिशियल का अनटच क्वांटिटी का जो पार्ट होता है उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम मानते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 1 अगर 8 है तो 5 40 होगा, ये आंसर है, ठीक है।
तो गाइस ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो हम लोग बार बार एक ही काम कर रहे थे कि इतना को निकाल दे उतना को ही डाल दिया गया। इस वाले में थोड़ा एक अलग सा है कि कुछ अलग पार्ट निकाल दिया गया और कुछ एक अलग पार्ट डाल दिया गया, तो उसके लिए हम लोग इस वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, फिर मेरा जो टीवी वाला रूल था उसको यूज़ कर सकते, टोटल वॉल्यूम वाला रूल उसको देख लेते। शुरुआत में क्या बोल रहे उस क्वेश्चन में कि 3:2 आपके पास शुरुआत में था, शुरुआत में आपके पास 3:2 था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे कि उन लोगों ने 25 लीटर निकाल दिया गया है, 25 लीटर निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद निकाल देने के बाद रेशियो कितना होगा, रेशियो तो उतना ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 3:7 बन गया है, 3:7 बन गया है, ठीक है। ये तब हुआ होगा जब आपने इसमें 15 लीटर ऐड कर दिया होगा, 15 लीटर ये जो वाटर ऐड कर दिया होगा, ठीक है। देखिए ये फिर से मिल्क वाटर की क्वेश्चन, मैंने क्या बोला 3:2 शुरुआत में था और 3:7 बन गया है जब 15 लीटर डाल दिया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बोलूं ये 25 लीटर ना निकाल के अगर 15 लीटर ही निकाल दिया गया होता, ठीक है, हमारे ही क्वेश्चन की तरह बनाए थे कि 15 लीटर ही निकाल दिया गया होता और 15 लीटर ही डाल दिया गया होता, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल में तो 25 निकाला था लेकिन मैंने क्वेश्चन पकड़ा है 15 पकड़ा है, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना रखना था अपने स्टॉक में रखा है, मैंने एक्स्ट्रा 10 स्टॉक में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब फिर से क्वेश्चन को करते हैं, हमारे ये पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है, उसको भूल जाइए, 25 को मैंने मिटा के 15 ही कर दिया है, 10 बस याद रखिएगा जिसमें मुझे लास्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्या हो सकता है कि आपको सेम बनाना पड़ रहा है टोटल वॉल्यूम, इसमें आपके पास 5 है, इसमें आप देख सकते हो ये 10 बना हुआ है, तो इसको 5 से 10 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पे कितना होता है कि साइज 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा 6 और ये 4, तो इसके लिए ये तो रहेगा और इसके लिए ये बन गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अनटच्ड क्वांटिटी कौन सा है, सर अनटच्ड क्वांटिटी ये है, 3:3 किसके वजह से हो रहा है, सर इस 15 के वजह से हो रहा होगा, 3:3 अगर 15 लीटर है, 1:1 कितने का होगा, 1:1 सर 5 का होगा, ठीक है, 1:5 का होगा, 1:1 अगर 5 का है टोटल वॉल्यूम कौन सा मैं सोचता था ये था, तो 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब 30 होगा। वेट अ मिनट, आंसर ये नहीं है, 30 लीटर जो है मैंने ये तब का है जब मैंने 15 लीटर को हमने मान के चला कि इतना ही निकाल दिया गया होता और इतना ऐड कर दिया होता, आंसर कितना होगा 30 और मेरे पास और एक 10 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ आंसर होना चाहिए 40 लीटर। तो इस तरह से आप उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हो जहाँ पे आपके पास उतना परिमाण ही ना निकाले या फिर कुछ अलग अलग वॉल्यूम टच कर दें, उन दोनों से थोड़ा इक्वल वॉल्यूम ले लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको आप लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहे और जिसमें सेम क्वांटिटी वो लोग निकाल नहीं रहा है, ठीक है। तो बढ़िया लगा हुआ इन तीनों क्वेश्चनों को, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर कुछ अलग मोड के क्वेश्चनों पे जिसमें प्रॉपर मिक्सचर एलिगेशन के रूल लगते हैं और हम दिखाएंगे अभी एलिगेशन रूल कहाँ पे या फिर किस तरह से अप्लाई करना चाहिए आपको। अच्छा इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है कि जो आपके पास 5 शुरुआत में कुछ मिल्क रहा है, आपके पास 5 लीटर मिल्क जो है रिप्लेस कर दिया गया है वाटर के साथ, तो उसके बाद ऐसे और दो बार करा गया, दो बार करने के बाद आपके पास जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आपको 64:61 है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो आपके पास क्या बोला जा रहा है कि अभी फाइनली कितना बना आपके पास, फाइनली सर आपको पता होगा तो ये मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये आपके पास 64:61 बना है। हम लोग टोटल वॉल्यूम भी कौन से इसमें कर सकते कि नहीं, डेफिनेटली कर सकते। टोटल वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये टोटल ले लेंगे और उसको लेंगे जो शुरुआत से था, दैट वॉज मिल्क। टोटल कितना है, टोटल आप देख सकते हो इसमें 125 है, तो 125 मिल्क कितना था, 64 था। ये तब की बात है जब आपके पास 3 प्रोसेस हो गया होगा, 3 प्रोसेस क्यों, शुरुआत में एक हो गया था, उसके बाद बोला कि रिपीटेड 2 टाइम्स और दो बार करा गया है, ठीक है। शुरुआत में एक बार तो कर ही दिया था, करने के बाद 5 लीटर को निकाल दिया गया था, निकाल देने के बाद कुछ वाटर को डाल दिया था, तब आपके पास उसके बाद और दो बार ऐसा कुछ काम करा जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो आपके पास लड़के लोग फुचका वगैरह जो खाता है उसमें क्या होता है कि एक फुचका वाला जो होता है सुबह कुछ पानी लेके आता है, उस पानी को फिर से वो लोग देते हैं लड़की लोग को या फिर किसी को भी देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग फिर से पानी डालते हैं, फिर से पानी डालते हैं, ये सुबह या से होते शाम तक करता रहता है, सुबह टेस्टी रहता है शाम तक जाते हैं तो डैम बन जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। सुबह कुछ लेके आया हुआ था, इस तरह से उन्होंने इस प्रोसेस को 3 बार करा, मतलब तो ये 3 बार के बाद जो टोटल और मिल्क के बीच के अगर रेशियो की बात करें तो ये है, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं कि आपका इनिशियली कितना रहा होगा, इनिशियली मतलब जो शुरुआत वाला पार्ट, शुरुआत वाला पार्ट के लिए हम लोग कितना करते हैं, जितना बार हुआ है उसका ही रूट कर दीजिएगा,
इसी अंदाज में गया है वो चीज़, तो इसी का ही मैं रूट कर दूंगा। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, शुरुआत में आपके पास 5 रहा होगा, शुरुआत में आपके पास 4 रहा होगा, ठीक है। तो पहला के बाद कितना रहा है, 5 और 4, सेकेंड के बाद पूछता तो ये 25 और ये 16 होता, उसके बाद क्या बन रहा है, 125 और 64 बन रहा है। जितना प्रोसेस हुआ था उसी का अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। टोटल का इतना बना है और ये मिल कितना बना है, ये तब की बात है जब आपने पहले बार डिस्टर्ब करा था मिल्क और वाटर को, ठीक है। मिल्क में जब वाटर डाल दिया, मिल्क टोटल पहली बार कितना हो गया, फिर 5 हो, टोटल कितना 5 हो गया, वैसे मिल्क 4 है, तो बाकी कितना है, बाकी 1:1 है, 1:1 फिर आपने क्या डाला होगा, वाटर डाला होगा। क्वेश्चन के हिसाब से कितना डाला है आपने, 5 लीटर डाला है। 1:1 अगर 5 के बराबर है तो शुरुआत का जो अनटच्ड क्वांटिटी है, जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास अगर मुझे चाहिए तो क्या होंगे, 5:1 होंगे। 5:1 कितने के बराबर, 25 लीटर के बराबर। अच्छा लग रहा है आपको, क्वेश्चंस समझा दे और एक बार। अच्छा, मिल्क और वाटर का रेशियो था, मैं टोटल के हिसाब, टोटल वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, तो ये कितना बन रहा होगा, 125 और 64 बन रहा है, ठीक है। ये तब की बात है टोटल का और मिल्क के बीच का रेशियो, जब 3 बार ये प्रोसेस हो गया है, तो मैं अगर अंडर रूट 3 का ले लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनिशियली कितना था टोटल का और मिल्क के बीच का रेशियो में उधर तक जा सकता हूँ। तो बाकी बचा हुआ चीज़ क्या होंगे फिर, क्योंकि शुरुआत में तो पूरा का पूरा मिल्क ही था, तो बाकी कुछ मुझे गैप दिख रहा है, 1 का गैप। तो 1 का गैप पहले बार के बाद अगर दिख रहा है तो वो 5 लीटर मैंने डाला था उसकी वजह दिख रहा है। 1 का गैप अगर 5 लीटर है तो मुझे क्या चाहिए, अनटच क्वांटिटी जो इनिशियली वाला है वही होता है टोटल वॉल्यूम। तो 5 का मतलब क्या होंगे, 5 का मतलब 25 होंगे, ठीक है। कल जाइए फिर और गोलगप्पे खाइए उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जो 60 लीटर आपके पास प्योर मिल्क है, उसमें एक्स लीटर मिल्क निकाल दिया गया है। इससे पहले हमने करा था कि 5 लीटर निकाल दिया गया था, मुझे पहले ही पता था कितना निकाल दिया गया। इस बार पूछा कितना निकाल लेंगे वो तो नहीं पता है, ऐसे प्रोसेस को करेंगे फिर और दो बार करने के बाद फाइनली मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन रहा है वो 64 और 61 का बन रहा है, ठीक है। तो देखते, शुरुआत में 60 लीटर था, उसके बाद कुछ एक्स वाला पार्ट निकाल दिया जाता है, उसके बाद ऐसा 3 बार होता है मतलब प्रोसेस, तो उसके बाद 64 और 61 बन रहा है। तो क्या कर सकते, जो शुरुआत में मिल्क और वाटर मतलब ये थर्ड प्रोसेस की बात डायरेक्टली करते, 64 और 61 है रेशियो में, ठीक है। तो टोटल कितना बना है सर, टोटल आपके पास, मैं इसको टोटल ही कर देता हूँ फिर, टोटल में आपका कितना बना, 125 बना। वाटर कितना बना सर, वाटर आपके पास, अच्छा वाटर नहीं चाहिए इसमें, मुझे इसमें मिल्क चाहिए ना, क्योंकि मिल्क के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो मिल्क कितने आपके पास, 64 है, ये 3 बार के बाद हुआ है ना, 64, 61 आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। टोटल कितना होगा, टोटल 125 होगा, तो मिल्क कितना, मिल्क 64 है, ठीक है, 3 बार के बाद। तो फर्स्ट प्रोसेस के बाद कितना हुआ होगा, इसको फिर से मैं कर दूंगा अंडर रूट का 3 के साथ, ठीक है, क्यूब रूट कर दिया मैंने। क्यूब रूट कर देने के बाद क्या होंगे, फर्स्ट प्रोसेस में फिर से आपको पता चलेगा 5 और 4। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल वॉल्यूम पहले से बोल दिया उन्होंने, टोटल वॉल्यूम 60 है। मैं क्या मानता था, टोटल वॉल्यूम हमारा अनटच्ड क्वांटिटी ये वाला है, टोटल वॉल्यूम 5 है, उनके क्वेश्चन के हिसाब से 60 है। 5 अगर 60 है तो मुझे कितने का चाहिए, कितना डाला है उन लोगों ने, फिर 1:1 डाला है, 1:1 का मान चाहिए। 5 अगर 60 है 1 कितना है, 1 अगर 12 है, तो वही तो पूछ रहा था वो लोग कि कितना अमाउंट दिया गया है मिल्क की वजह से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, फिर नहीं दिख रहा थोड़ा सा मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट भी। चलिए फिर इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते और कुछ और उमदा क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपके पास जो फॉर्मूला किताबों में बोलते हैं वो लोग क्या बोलते कि फाइनली कितना बचा है, उस सेम कॉमोडिटी का पूछे तो वो लोग ऐसा कुछ बोलते कि टोटल वॉल्यूम 1 माइनस जितना निकाल दिया गया है, तो ये रिप्लेस क्वांटिटी कितना में से, टोटल वॉल्यूम में से कितना नंबर ऑफ टाइम्स काम को करा गया है, ठीक है। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है कि फाइनली आपके पास कितना वो कॉमोडिटी रहा है, मतलब अगर इसी को अगर कर रहे हो, मिल्क को कर रहे हो, तो मिल्क फाइनली कितना बचा उसको पूछे। इस तरह से कुछ एक प्रोसेस करते रहे होंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन मेरा जो टेक्निक है, मैं इस तरह से एक्चुअली नहीं करता हूँ। आप क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, कुछ फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता ना। फाइनली कितना बचा है, फाइनली देखा जाए, मैंने घर से कितना लेके आया था, 80 लेके आया था, ठीक है। आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, सर मैं 8 ही तक रिप्लेस कर रहा हूँ, कितने में से, 80 में से। तो आपने पहला प्रोसेस के बाद आपने 1/10 पार्ट को निकाल दिया होगा, ठीक है। 80 में से आपने 1/10 को निकाल दिया, तो कितना रहा है पहला प्रोसेस के बाद, सर बचेगा 9/10,
ठीक है, यही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, इस वाले पार्ट का ऊपर फिर से आपने 1/10 निकाल दिया है, मतलब आखिरी तरह निकाल दिया गया, तो आपके पास फिर से 9/10 रहा होगा। इस वाले पार्ट के बाद आपने फिर से 9/10 रहा होगा, तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स था इक्वेशन पे, एक बार करा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस को दो बार रिपीट करा गया है, तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने पे आपके पास कितना आया, ये 9 to 72 81 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 100 है। कैंसिलेशन कर लेना, फिर भी थोड़ा बता दे, ये 2 है, 3 है, 8 है, 5 है, 5832 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें ये आ जाएगा, तो ये आंसर है एक्चुअली 58.32। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को, आइदर आप फॉर्मूला यूज़ करो या फिर आपको ये अच्छा लग रहा तो ये कर सकते हो, जितना है उसमें से कितना रहा उसको निकालना है, बेसिकली इतना रहा पहले के बाद, दूसरे के बाद इतना रहा, थर्ड के बाद इतना रहा, ठीक है, चौथा होता और एक बार प्रोसेस करते और एक बार 9/10 डाल देते, ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे तो इतना हो गया। ठीक है, ये सब था आपके पास कुछ प्री लेवल के क्वेश्चन से, आपको थोड़ा हार्ड लगे होंगे या फिर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा है वैसे दिलचस्प क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो हम लोग अगले 5 क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, डेटा थोड़ा और ज़्यादा हार्ड है वो क्वेश्चंस, ठीक है, वो थोड़ा मेंस लेवल के लिए क्वेश्चन है, आ जाइए फिर। अच्छा, पहले आपको थोड़ा बहुत एलिगेशन रूल के बारे में बता दें कि मिक्सचर के चैप्टर में हम लोग एलिगेशन रूल को कैसे यूज़ करते हैं, और उसी से ही ये चैप्टर का नाम बना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हाउ टू डू, आपके पास 2 क्वांटिटी है, एक आपके पास मैंने बोला कि ए क्वांटिटी है, एक आपके पास है बी क्वांटिटी है, आराम से सीखेंगे एकदम पूरा। एक आपके पास ए क्वांटिटी है, दूसरा आपके पास बी क्वांटिटी है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इसमें आपके पास ए बी आ गया, ठीक है, ऐसा ही है, एक ए क्वांटिटी है मेरे पास, एक आपके पास बी क्वांटिटी है, दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास एक ए प्लस बी का क्वांटिटी आ गया है। क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, ये जो कमोडिटी बनता है, जो प्राइस का जो कमोडिटी बन रहा है, मैं ये बता दूं, ये इन दोनों का बीच का प्राइस है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि एक 100 रुपये का चावल है, एक आपके पास 60 रुपये का चावल है, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो इसका प्राइस कभी भी इससे हाई नहीं होगा। अगर इसका पर केजी का दाम इतना है, इसका पर केजी का दाम इतना है, तो इसका पर केजी का दाम इनसे कभी हाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपने थोड़ा घटिया चावल भी डाल दिया है ना, घटिया चावल डाल देने के कारण इसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा, तो मैंने मान के चला कि इसका दाम 70 रहेगा। ठीक है, इसका प्राइस इससे ज़्यादा रहता है, इससे कम रहता है, ज़्यादा इससे क्यों, इसमें थोड़ा ना थोड़ा आप अच्छा चावल भी डाल रहे हो, है ना, इसको थोड़ा अच्छा चावल मिला, इसको थोड़ा बुरा चावल मिला, इसलिए बीच में प्राइस रहेगा इसका। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से हायर कौन है, हायर आपके पास 70 है, ये 60 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है ये 10 आता है, 10 को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस को अगर मैं देखूं तो कितना आया होगा, 100 में से 70 गया तो 30 आया होगा। ठीक है, तो बातों मैंने ये भी सीख लिया कि एलिगेशन रूल क्या होता है, अगर मुझे 2 कमोडिटी के प्राइस दिया जाता है और उसके बीच का जो मिक्सर का प्राइस अगर मुझे पता है, इससे मुझे जो वाला भी ये पार्ट आता है, ये पार्ट मुझे ये कहलाता है कि आपने ए क्वांटिटी को और आपने बी क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स करोगे तो ताकि आपके पास प्राइस 70 का बने। तो मैं बोलूं कि अगर मेरे पास 2 कमोडिटी है और मुझे उसको बेचना है 70 रुपये में, तो मुझे इस रेशियो पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो पे मुझे उन दोनों को मिक्स करवाना पड़ेगा। अगर मैं इसका एक बोरी लूँ, इसका 3 बोरी लूँ, उसको मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो वाला मेरा फाइनल बोरी बनेगा उसका प्राइस मैं 70 रुपये रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है मिक्सचर एलिगेशन का पहला रूल, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, इतने का था ये बीच का प्राइस बनेगा, हायर से लोअर माइनस करेंगे, इसके ऑपोजिट वाला वैल्यू इसमें, इसके ऑपोजिट वाला वैल्यू इसमें। ठीक, क्यों, इसमें दोनों क्वांटिटी है, इसमें से मैं अगर ए को हटा दूं तो बचा हुआ चीज़ जो बी का है, इसे बी वाले पार्ट पे लिखते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसमें दोनों क्वांटिटी है, इसमें अगर मैं बी को हटा दूं तो बचा हुआ पार्ट ए का रहता है, तो ए वाला पार्ट इस वाले साइड में आता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 को थोड़ा देखते हैं, रूल नंबर 2 ये बताता है, रूल नंबर 2 ये बताता है कि आपके पास ये एक ए वाला कॉमोडिटी है, ये एक बी वाला कॉमोडिटी है, अगर ये वाला किसी की क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिए होंगे
और ये वाला किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिए होंगे और इस वाले की बात कर रहे हैं मिक्सचर जो है उसका सेलिंग प्राइस दिए होंगे, फिर बाद में आपके पास कुछ रेशियो दे दिया कि फाइनली इतना इतना आ गया है, ठीक है। तो याद रखना ये सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता है। जब भी आप मिक्सचर लिखने क्वेश्चन के टाइम पे ये पार्ट करते हो तो उसमें अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तीनों का तीनों क्वांटिटी जो होता है सेम ही कॉमोडिटीज से आता है, एक्चुअली सीपी 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 होना चाहिए, तभी आप आगे जाके इस मिक्सचर एलिगेशन को कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, आपको एसपी को सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको आगे एलिगेशन रूल लगवाना पड़ता है, ठीक है। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट वन जो शायद कोई भी ना ही बता पाया हो या फिर कोई भी नहीं बताता इस चीज़ को, कि देखिए अगर मैं बोलता उसी क्वेश्चन को लेता हूँ कि मेरे पास एक 100 रुपये वाला चावल है, मेरे पास एक 60 रुपये वाला चावल है जो मैंने शुरुआत में लिया था, उसके बाद मुझे ये जानना है कि इन दोनों को मिक्स में करता हो तो कितना रुपए का मुझे बनवाना पड़ेगा अगर मैं इन दोनों को इस रेशियो पे मिक्स करवाना चाहता हूँ जो मैंने शुरुआत में लिया था इस चीज़ को, ठीक है। देखते एक बार मैं दोबारा क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक सामान है, एक ये सामान है, इसका दाम 100 है, इसका दाम 60 है, मैं अगर इसको 1:3 के रेशियो में मिक्स करवाता हूँ दोनों को, तो मुझे कितने रुपए में इसको फाइनली बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का जो एडिशन, रेशियोज का जो एडिशन होता है ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। रूल नंबर 3 को जरूर याद रखना है, किसी भी किताब वगैरह पे नहीं होता ये, बस कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी इसको यूज़ करते हैं या फिर शायद ऑलमोस्ट बहुत लोगों को ये पहली बार दिख रहा होगा शायद। अच्छा, इन दोनों का रेशियोज़ को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने पे सर कितना मिला, 4 रेशियो मिला। 4 रेशियो का मान कितने के बराबर, 4 रेशियो का मान इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस कितना है सर, 40 का है। 1 रेशियो कितने का होगा सर, 1:10 का होगा। 1:10 का है तो ये मेरे पास 1 है तो मैं इसको 10 बनवा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उसको भी लेके कर सकते हो लेकिन किसी भी एक को करना। तो ये 10 का बन गया है, तो मुझे अगर इसका प्राइस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले से तो बड़ा होता है, बड़ा वाले से छोटा होता है ना। छोटे वाला है मेरे पास, इसका ऑपोजिट में मुझे 10 मिला है, तो छोटे वाले से बड़ा होता है तो कितना बड़ा होगा सर, 70 होगा, समझ में आया। किसी ने अगर इसमें नहीं करता, किसी ने इसमें करा होगा, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, 1 का अगर 10 है तो 3 का होंगे 30, 3 का 30, तो ये 3 का मैंने 30 लिख लिया। बड़ा वाला से छोटा होता है, बड़ा वाला से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा सर, बड़ा वाला से छोटा होगा तो इतना छोटा होगा तो 70। आप आइधर उसमें से करो या फिर इसमें से करो, बस ये करना कि एग्जाम में दोनों को ही यूज़ मत करते ना कि सर सही है कि गलत है, ठीक है। आप आइधर इससे करो या फिर उससे करो। तो ये भी था आपके पास एक गोल्डन रूल जो आपको किसी भी किताब में शायद ना मिले। आइए फिर इस लॉजिक्स के हिसाब से हम कुछ यूजेस देखते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के ऊपर ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलते रहे, ठीक है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इस लॉस कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको। अच्छा, डाटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, डाटा में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास प्रोडक्ट है 560 रुपये का, एक आपके पास प्रोडक्ट है 280 रुपये का, ठीक है। एक आपके पास प्रोडक्ट है 560 रुपये का, एक आपके पास प्रोडक्ट है 280 रुपये का, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ये भी आपके पास कॉस्ट प्राइस है कि खरीदा हुआ प्राइस है, बोल रहा है वो कॉस्ट प्राइस है आपके पास तो इतने का, और फाइनली जो बोल रहा है उन दोनों ने मिक्स करने के बाद उसको फाइनली 450 रुपये में बेचा है। 450 रुपये बेचने पे उसको 25% का फायदा होता है। तो देखिए ये 25% का फायदा मतलब ये सेलिंग प्राइस है, फिर तो 450 में वो बेचना चाहे तो उसको 25% का फायदा मिल रहा है। तो 25% का फायदा मतलब इसको 125% का मान कितना है, 125% का मान सर 450 है, तो 100% जो होता है वो हमारा सीपी रहता है। 100% का मान कितना होना चाहिए, इसको देख सकते हैं कि ये 5 से कैंसिल कर सकते ना, 25 से कर सकते, 25 से ये 5 बार गया तो 25 से 4 बार गया, 5 रेशियो का मान 450 होता है, तो 4 का मान कितना होगा, 1 का मान 90 होता है, 4 का मान 360 होता है, तो ये फिर सीपी रहेगा हमारा। सिंस मैंने शुरुआत में बोला कि सीपी रखना पड़ता है मुझे सब चीज़, तो ये 450 को हटा देते और रख देते 360 को, अभी सीपी में है, तो ये सही चीज़ है। सीपी में होंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस में कितना आया ये सर, ये 80 आया, ठीक है। डिफरेंस में देख रहे तो इसको हम लोग कितना आया, 80 आया, ठीक है। इसके बाद इस वाले पार्ट का डिफरेंस देखे तो कितना आया, ये सर 200 आया, तो ये 80 आया, इस साइड में आपके पास 200 आया, तो ये 200 वाला पार्ट आया, ठीक है।
तो अब क्या कर सकते हैं, इनका अगर मैं रेशो निकालता हूँ, रेशो में क्या मिलेंगे मुझे, रेशो में 40 से भाग कर देंगे, 40 से भाग करने में आपके पास ये दो बार गया, 40 से ये पांच बार गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आपके पास 280 वाला जो है ये उसने 185 केजी डाला था, हमारे हिसाब से कितना क्वांटिटी है इसमें, पांच क्वांटिटी है, तो इसको 185 बनाना पड़ेगा। 185 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, तो इसको 37 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि शुरुआत वाला कितने डालना पड़ेगा अगर मैंने सेकेंड 280 वाला जो है, 280 वाला अगर मैंने 185 किलो डाला है, तो 280 वाला अगर उसने 185 का डाला है, उसके बाद 5:185 का है, तो 2:3 जो है 37:2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 केजी। तो ये आपके पास है बेहतरीन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला कि x जो है आपके पास 21 जो परसेंटेज लॉस करता है, y जो है आपके पास 11% लॉस करता है, z जो आपके पास है कुछ 10% लॉस करता है। अच्छा मैं तो कुछ लिख लेता हूँ, x का लॉस कितना होता है, 21% का लॉस होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, x जो है 21% का लॉस करता है, y जो है 11% का लॉस करता है, z जो है 10% का लॉस करता है। एक्स और वाई अगर एक साथ सामान को बेचते तो उन लोग का जो लॉस होता है दैट इज 14.33, एक्स और वाई एक साथ उनका लॉस 14.33% होता है, वाई और जेड जो होता है उनका लॉस परसेंटेज जो होता है दैट इज कितना दिया, 10.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइनल ओवरऑल कितना लॉस हुआ होगा इस क्वेश्चन पे वो पूछ रहा है, मतलब आपको इतना तक जानना है कि एक्स वाई और जेड का लॉस कितना है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे एलिगेशन रूल अप्लाई किया जाता है, तीन तीन क्वांटिटी के साथ, दो तो आपने सीख लिया, दो में कैसे यूज करते, तीन पे कैसे यूज करते। ये देखो x है y है, इसमें मुझे क्या चीज का डाटा दिया हुआ है, x और y का दिया हुआ है ओवरऑल लॉस, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये अगर भाई साहब x का है कितना है, ये 21 है, ये अगर भाई साहब y का है ये 11 है, ये y का है, इस पर मुझे क्या आता है, x और y आता है, है ना, x और y क्या दिया हुआ है, 14.33 दिया हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या बताएंगे, x कितना था उसमें, y कितना था उसमें, रेशियोज में x कितना था इसमें, हायर से लोअर माइनस करेंगे तो 3.33, इसको इससे माइनस कर देते हैं, 21 से 14 जाएंगे तो 7, 7 से 0.33 जाएंगे तो 6.67 या फिर 66। तो इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 1:2 का रेशियो है, तो x और y का इतना रेशियो है, ठीक है। तो इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट में क्या है, y z का मान भी दिया हुआ है, y में कितना है, y में आपके पास 11 है, z में कितना है, z में आपके पास 10 है, समझ में आ रहा है, y में आपके पास 11 है, z में आपके पास 10 है, yz एक साथ कितना है लॉस, 10.4 का लॉस है। तो मैं अगर कॉमोडिटीज का रेशियोज देखना चाहूँ, yz का कितना होगा, हायर से लोअर, 11 से 10 जाएगा तो 1 से 0.4 गया तो 0.6, 10 से 10 गया तो कुछ नहीं बचेगा 0.4। तो रेशियो देखा जाए तो रेशियो तो 2:3 का रेशियो है, तो रेशियो आपके पास 2:3 का है। तो क्या कर सकते हैं, ये x और y का रेशियो था, yz का रेशियो कितना है, 2:3 का है, जिस वाले पार्ट में दो वैल्यू जो दिख रहा है वो वाला को हमको सेम सेम बनाना है। अगर इसमें आपके पास सेम सेम दिख ही रहा है, y जो है 2 और 2 है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बाद, नेक्स्ट इस वाले को हटा देते, इसमें से मैं बस इतना ही लिख लेता हूँ कि अगर मैं मर्ज कर दूँ इन वैल्यूज को कि सर x:y:z कितना बन गया है, 1:2:3 बन गया है, मर्ज मुझे इस बार नहीं करना पड़ रहा क्योंकि आपके पास y का मान सेम सेम था। तो मैं इसमें से फाइनली जितना मिल रहा है, इसके बाद मैं क्या कर सकता, मुझे x, y और z का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिपल एलिगेशन में क्या करते हैं, एक मैं x ले लूँगा, इस साइड में मुझे क्या लेना पड़ेगा, y और z लेना पड़ेगा एलिगेशन रूल पे, है ना। इसमें अगर मैं x का मान लेता हूँ तो ये कितना होता है, 21 होता है, y और z के अगर मैं चाहूँ, y z कितना है, इतने का है 10.4, तो ये 10.4 मुझे इसका मान चाहिए बेसिकली। इसका मान अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए x के लिए कितना रेशियो था, x के लिए मेरे पास 1 है, yz के लिए कितना है, y और z मिलके आपके पास 5 है, तो 5 डाल देंगे इसमें,
ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन दोनों का जो आपके पास समेशन होता है इसका डिफरेंस के बराबर, तो इसका समेशन कितना होता है, समेशन आपके पास है 6 रेशियो का, और ये कितने का डिफरेंस, 21 से 10 गया तो आपके पास 11, 11 से 0.4 जाएगा तो 11 से 0.4 तो 10.6, तो 1 रेशियो कितने के बराबर, 1 रेशियो आपके पास 10.6 डिवाइडेड बाई 6 का बराबर, तो आपके पास है 1 टाइम 7 टाइम ये 6 टाइम, तो 1.76, तो 1 का मान कितना होगा 1.76, तो ये तो कम वाला वैल्यू है, कम वाला वैल्यू से वैल्यू बढ़ेगा फिर, तो 10.4 से ऐड कर देंगे कितना होगा आंसर, ये 6, ये आपके पास इतना, ये आपके पास 2, ये 1, तो 12.16 जो है ये परसेंटेज है। कोई कोई अगर ये भी सोच रहा होगा कि सर मैंने x और y का भी लेके कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली कर सकते हो, x और y आप जब लोगे, x और y का जब आप मान लोगे इस टाइम पे, थोड़ा दिखा देते इसमें भी, x और y कहा गया ये 14.33, तो इसमें x और y ले लिया मैंने, इसमें क्या लेना पड़ेगा, z लेना पड़ेगा, 10 ले सकते हो फिर आप, मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, x और y कितना था, x और y मिलके 3 था, 3, और फिर आपके पास ये था आपके पास z वाला मान 10, तो आपके पास 10 z के लिए कितना था, 3 था, इन दोनों का 3 और 3 बना है। फिर मैं क्या बोल रहा था कि इसमें आपके पास क्या करते हैं हम लोग, x और y 3 है और ये 3 है, जब आपके पास दोनों का मान सेम सेम हो तो हम लोग बेसिकली इसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज आपके पास इसका आंसर बनता है, तो इसका एवरेज के लिए कितना होगा 24.33, एवरेज अगर मैं लेता हूँ तो ये 24 का आधा कितना है 12, 33 का आधा कितना है 16 क्या समथिंग, मतलब मैंने 16 के मान अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू है, तो आप आइदर उससे करो या फिर इससे करो कोई मैटर नहीं करेगा, आपका बस आंसर आने से मतलब है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे थोड़ा मेंस लेवल का वीडियो था, तो थोड़ा सा ये इसको पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद आपको मुझे लगता है कि ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो दिख रहा होगा फिलहाल बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हार्ड इक्वेशन है, एक्सपेंडिचर 50% सेविंग से बढ़ा हुआ है, इनकम जो है 15% बढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर 21% फिर से बढ़ा हुआ है, फिर सेविंग जो है ये रुपये में दिया हुआ 240 रुपये बढ़ा है, तो इनकम आपके पास फाइनल कितना हुआ होगा। तो एक्सपेंडिचर 50% बढ़ा है सेविंग से, तो एक्सपेंडिचर जो है 150% है फिर किसका, सेविंग का, तो एक्सपेंडिचर जो 150% है सेविंग का, तो एक्सपेंडिचर बाई सेविंग करना चाहो तो 150/100 बन गया होगा, तो ये 3/2 बन गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर रख देते हैं, एलिगेशन रूल को पहले अपना के देखते हैं। अगर मैं बोलूँ ये एक्सपेंडिचर है ये सेविंग है तो ये कितना होगा, इनकम होगा, क्यों सर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलके ही इनकम बनता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, किसी का खर्च और किसी का बचा हुआ पैसा, वो दोनों ही आपके पास इनकम से आता है, या फिर इनकम का इक्वल वही होता है, तो एक्सपेंडिचर ये है सेविंग ये है तो ये मिलके इनकम हुआ होगा। तो हाउ टू डू, एक्सपेंड कितना बड़ा है, ये पूरा डाटा फिर बढ़ने वाला डाटा होगा, एक्सपेंडिचर कितना बड़ा, 21% बड़ा है, सेविंग कितना बड़ा है, सेविंग के बारे में रुपए में दिया तो नहीं लिख सकते इसमें, इनकम कितना बड़ा, इनकम 15% बड़ा है, उसके बाद एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मेरे पास है ऑलरेडी 3/2, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3/2 है, 21 से 15 जाएगा तो 6 आना चाहिए, मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 बना तो दिया, मल्टीप्लाई 3 करने से आएगा, तो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूँ कितना बनेगा, 9 बनेगा, है ना, तो ये 9, ये बड़ा है, ये बीच का है तो ये छोटा वाला होगा, अब छोटा वाला है तो कितना छोटा होगा, 15 से 9 छोटा होगा, 15 से 9 छोटा होने का मतलब है ये होगा फिर सर 6%। अब मेरा सेविंग इंक्रीजेस बाय का वैल्यू भी पता चल गया, सेविंग इंक्रीजेस बाय 6%, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, सेविंग 240 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं, 1% का वैल्यू कितना होगा सर, 1% का वैल्यू 40 रुपये होगा, 1% का मान 40 रुपये है, 100% का मान कितना होगा, इसमें 2 जीरो चिपका दिया तो इसमें भी 2 जीरो चिपका देंगे, तो इतना सेविंग है बंदे का, इतना अगर बंदे का सेविंग है, बोला ही है सेविंग कितना है 2 रेशियो में है, सेविंग अगर 4000 बनाना है मुझे तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बना 6000 बना, मैंने क्या लिखा हुआ है, इन एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके इनकम होता है, एक्सपेंडिचर मेरा 6000 बन गया, सेविंग मेरा 4000 का बन गया, तो आपके पास इनकम कितना होगा सर, इनकम होगा
₹10,000 का, ये आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है। ठीक है, तो जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर 10,000 है, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो आइए फिर चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस एक फिर से बेहतरीन टफ क्वेश्चन लेके, एक बंदा ने बोला क्या कि उसके पास 960 पेन्स है, उसने बोला कि पहले वाले टाइप ऑफ पेन को उसने बेच के 10% का लॉस हुआ है या फिर 10% का प्रॉफिट हुआ है। लॉस प्रॉफिट दोनों में कर सकते हो, ये क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब आप पूरा का पूरा चीज़ प्रॉफिट 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 में हो या फिर पूरा 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 लॉस में हो। इससे पहले हम लोगों ने एक लॉस लॉस वाला क्वेश्चन करा था, आपको वो भी याद होगा शायद। तो पूरा क्वेश्चन जब प्रॉफिट में हो या फिर पूरा क्वेश्चन जब लॉस में हो, डेफिनेटली एलिगेशन रूल उसमें लग सकता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये सब चीज़ें देखोगे तो एग्जाम में जब देखने के टाइम पे आपको पता ही लगेगा कि क्वेश्चन परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। एग्जाम में ये सब दिमाग में नहीं आता है, आप लोग का हरकतें, आप लोग का ब्लड प्रेशर देख के पता लग जाता है कि एग्जाम पे ये सब चीज़ें याद नहीं रहता है। तो पहले 10% का प्रॉफिट कमाता है, सेकंड 11% का प्रॉफिट कमाता है, थर्ड वाले में 14% का प्रॉफिट कमाता है। आजकल चीज़ें भी वो हो गया ना, मतलब क्या बोले, चीज़ें सब ऑनलाइन ऑनलाइन होने के बाद पूरा शाही मतलब आजकल एजुकेशन हो गया है। पहले हमारे टाइम पे मतलब उस कैंडल में पढ़ो या उसके बाद फिर लैंप में पढ़ो, करंट चला जाए तो फिर भैया इधर उधर छत पे घूमते रहो, इधर उधर चलते रहो। आजकल मतलब ऐसा हो गया करंट चला जाए फिर भी मतलब मोबाइल में पढ़ते रह सकते हैं, है ना। इतना मतलब शाही मतलब रॉयल फैमिली से मतलब सरकार बिलोंग करने लगे, भले एम्प्लॉयमेंट ना दे लेकिन सरकार चल तो रहा है वैसे डिजिटल इंडिया के हिसाब से, पढ़ाई पूरा करवा रहा है, नौकरी दे या ना दे वो तो डिपेंड कर रहा है। वैसे क्या बोले, एक बार क्लास लगाएंगे बीजेपी सरकार के ऊपर भी, कांग्रेस सरकार के ऊपर भी, क्या पाया क्या खोया इस पूरा का पूरा साल में। चलो क्या पाया क्या खोया उसको भी चलते देखते कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। कि 960 पेन टोटल आपके पास है, 10% आपके पास शुरुआत वाला है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए वाले को मैंने ए लिख लिया है 10% के हिसाब से, इतना प्रॉफिट इस कमोडिटी को बेच के इतना प्रॉफिट। फिर मान के चलो कि कोई बी कमोडिटी वाला कुछ है आपके पास, ये 11%, सी कमोडिटी वाला इसको पास प्रॉफिट मिला उसको 14% का, ए बी को एक साथ बेचने पे उसको प्रॉफिट मिला है 10% का, सॉरी 10 4.4/9। फिर उसके बाद बोला है कि ओवरऑल उसको मिला है 12/3। तो इससे पहले दो दो वाला तो हम लोगों ने यूज कर लिया था, इस बार ओवरऑल में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स सी, ए बी दिया हुआ है तो ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, ए और बी को ले लेते, ये 10 ले लेते, ये 11 ले लेते, उसके बाद 10 4/9 उसको हम लोग थोड़ा छोटा करके क्या लिख सकते हैं, ये 94/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 94/9 लिख लिया मैंने, तो इसको मैंने 94/9 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, जब ये 94/9 हो गया, अब ये माइनस करना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप इजी बनवाने के लिए मल्टीप्लाई 9 कर दो। तो मल्टीप्लाई 9 करने पे ये पार्ट चला गया, इस वाले पार्ट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन गया, ये 99 बन गया। ठीक है, अब इजी हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, हायर से लोअर माइनस, तो ये 5, इसको अगर 4, तो ये क्या क्या था, ये ए का था और ये बी का था, तो ए का यूज़ कितना हुआ है 5 और बी का यूज़ हुआ है 4, तो इतना कॉमोडिटी है उनके पास। उसके बाद ओवरऑल में है ए बी सी है, ए बी सी के लिए मैं ए बी ले लेता हूँ और सी को ले लेता हूँ, ए बी आपके पास एक साथ दिया हुआ है 94/9, सी को लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लेने के लिए बीच में है ए बी सी है, तो तभी ए बी सी आ सकता है इस वाले पे 12/3, मतलब ये 36 38/3। ठीक है, अब फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये वाला पार्ट चला गया। ठीक है, 14 × 9 हो गया, तो ये 126 हो गया, तो ये 126 हो गया, ये तीन बार जगह 38 × 3, 30 × 3 कितना होता है 90 होते हैं, 8 × 3 करेंगे तो 24 होते हैं, 90 और 24 मिलके 114, तो 114 बन गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस में कितना आएगा, ये वाला से आएगा आपके पास 14 और ये 12 आएगा, इन वाले से आपके पास आएगा 20 आएगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, तो 3 और 5 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ए बी मिलकर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, मेरा ए बी मिलकर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको भी 9 बनाएंगे, 9 बनाने के लिए ये तो 9 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो एक साथ मर्ज करना चाहूँ मैं
ए इज टू बी इज टू सी कितना बनेगा, ए कितने का है, ए आपके पास है 5 का, बी आपके पास है 4 का, सी आपके पास कितने बनेंगे 15 का बनेंगे। तो ए बी सी का रेशियो जो है इतना है। क्वेश्चन में इतना तक भी पूछा जा सकता था, मैंने थोड़ा सा और टफ क्या बना दिया कि इच टाइप कितने नंबर ऑफ पेन्स है। टोटल देख सकते हो आप लोग 15 है, 4 है, 19 हो गया और 5 है, 24 हो गया। 24 रेशियो जो है कितने के बराबर, 960 पेन के बराबर। तो एक रेशियो कितने के बराबर होंगे सर, एक रेशियो होंगे 40 के बराबर। एक रेशियो 40 के बराबर, तो 5 रेशियो का मतलब क्या होंगे, 5 रेशियो का मतलब होंगे ये 200 हो गया, ये आपके पास 160 हो गया, 1560 600 हो गया। आप देख सकते हो तीनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 960। ठीक है, तो इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इच नंबर ऑफ पेन्स कितने का है, 200, 160 और 600 का है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भैया, ताकि ऐसा चीज़ें बेहतरीन चीज़ हर कोई पढ़ पाए, है ना। सेल्फिश मत बनिए हर लोगों के साथ बंटवारा कीजिए ये सब चीज़ें। ठीक है, आइए फिर आखिरी एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को ऑफ कर देंगे, फिर कल एक नया टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और फिर से एक ट्रिपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें यह बोला जा रहा है कि आपके पास 3 वेराइटी ऑफ चावल है, 1.2 रुपीज़ का एक पर किलो। पता नहीं इतने कम दाम में क्या कहाँ से चावल मिलते हैं आजकल। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली किरण से लिया हुआ है, किरण से इसलिए लिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व वहाँ पे करा हुआ है तो थोड़ा सा रॉन्ग वे पे करा है, मतलब सॉल्यूशन तक तो पहुँच गए वो लोग लेकिन रॉन्ग सॉल्यूशन है वो, तो ताकि उस क्वेश्चन सॉल्यूशन को फॉलो ना करो और आप इस एक बेहतरीन सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि 3 वेराइटी ऑफ चावल है, 1.2, 1.44। आप ये बताओ मुझे 1.2 है, 1.44 है, 1.74 है और फाइनली वो कितने में बेच रहा है, 1.41 में बेच रहा है। तो ये पूछ रहा है वो कि मुझे कितने में रेशियो में बेचना पड़ेगा ताकि मेरा चावल फाइनली 1.41 में बिक जाए। अच्छा देखो, क्या मेरा 1.41 चावल बन सकता है इन दोनों को अकेला मिक्स करने पे? डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि ये प्राइस जो है इसके बीच में पड़ रहा है। ठीक है, क्या मेरा 1.41 का चावल बन सकता है अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ तो? इन दोनों को मिक्स करने पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्राइस जो इस दोनों से लो है और बीच में होना चाहिए। तो फिर मैं इसको देखता हूँ, क्या मेरा प्राइस ये बन सकता है जब मैं इसको और इसको मिक्स करूँगा? डेफिनेटली बन सकता है, तो आपका शायद काम हो जाएगा। ये ए मान के चलते, ये बी मान के चलते, ये सी मान के चलते। तो मैं पहले में क्या करूँगा, अगर मैं ए और बी को ही लेता हूँ तो फिर 1.41 बन सकता है, 1.41 बन सकता है अगर उसमें से ए कितने पार्ट का है, 1.2 रुपीस का है, ये 1.44 का है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो इससे मेरे पास जो वाला पार्ट आएंगे वो मेरा ए का रेशो बता देंगे कि ए कितने पार्ट का है। 1.44 से 41 चले जाएंगे तो 0.03, 1.2 और 1.41 हायर से लोअर चले जाएंगे तो ये 0.21 हो गया, 0.21 हो गया। ठीक है, उसके बाद और एक था कि अगर मैं ए और सी को भी मिक्स करता हूँ तब, ए और सी को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो कितना होगा? ए आपके पास 1.2 का है, ए आपके पास 1.2 का है, सी जो आपके पास है 1.74 का है और फाइनली 1.41 का बन रहा है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 74 से 41 गया तो आपके पास 33, तो 0.33, 41 से 20 गया तो आपके पास 0.21, 33 और 21 ही मान के चलो, 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो। 3 से फिर से भागूंगे 11 बार और 7 बार, और ये भी 3 से भाग हुआ होता तो कितना होता, ये 1 और 7। अच्छा, इसमें क्या कोई करेंगे कि अभी ए को सेम बनाने के लिए जाएंगे, ए को सेम मत बनाना, क्योंकि मैंने बस दो दो को ही मान के चला है इसमें, हालांकि ये वाला प्राइस जो है तीनों का मान के चलने पे आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम दोनों रेशियोज़ को ऐड कर देते हैं, क्योंकि मुझे इतना भी पता है कि रेशियो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई भी फर्क नहीं पैदा करता है। तो इसमें क्या होंगे, ए जो है कितना है, ए आपके पास टोटल मिलके फिर 12 हो जाएंगे, बी जो है आपके पास टोटल कितना है, 7 है, सी जो आपके पास है 7 है। किसी को डाउट लग रहा होगा तो उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने जो बताया उसी तरह से सॉल्व होंगे, ना कि किरण की तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये 12:7:7 होंगे, ए और बी और सी को अगर मैं मिक्स करना चाहूँ तो इस रेशियो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, जिन जिनको लग रहा है कि ये सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, एक दूसरा वे एवरेज के हिसाब से भी कर सकते हो।
कैसे? ये तीनों मिक्स करने के बाद आपका फाइनल प्राइस कितना बना है सर? 1.41 का बना है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करते? सी, पहला वाला 1.2, कितना केजी का मुझे एक्स निकालना है बेसिकली ना, एक्स निकालना है, सॉरी वाई निकालना है और जेड निकालना है कि कितना कितना एक्स वाई और जेड यूज हुआ है, ठीक है। तो इतना एक किलो का दाम है, एक्स का कितना दाम होगा? 1.2x। एक किलो का दाम इतना है, एक्स किलो का कितना दाम होगा? 1.2x होगा। एक किलो का दाम 1.44 है, वाई किलो का दाम कितना होगा? 1.44 इंटू वाई। फिर 1.74 है एक किलो का दाम, जेड क्वांटिटी है तो इतना दाम हो जाएगा। कितना एवरेज है? तो ये वैल्यू जो होंगे इसके बराबर होंगे, 1.41, इसमें तीनों ही है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, जेड है। अब देखते हैं, 1.2x है ये, 1.44y है ये, 1.74 जेड है ये, इसमें 1.41x, 1.41y, 1.41z, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, x वाले पार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, उस साइड में बड़ा है तो उसको लेके चले जाते हैं। तो ये आपके पास 0.21x, y यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है, y इस साइड में बड़ा है तो इसको 0.03 y है, z है इस साइड में बड़ा है तो इसको इस साइड में रख लेते हैं। 74 से 41 जाएगा तो 0.33 जेड बचेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में ये 3 आ गया, ये 33 21 हो गया, फिर से डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये वाई बन जाएगा, ये आपके पास 11 जेड बन जाएगा, ये आपके पास 7 एक्स बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हो आप लोग, इसके बाद आप उन वैल्यूज़ को प्लॉट कर देना जिस वैल्यू से ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई, ठीक है। अगर मैंने बोला था कि मेरे पास क्या था कि 12 7 7 था, ठीक है, अगर मैं इसी वैल्यू को प्लॉट करता हूँ, इसमें 12 प्लॉट करने पे 12 इंटू 7 जो है कितना बन रही है? 84 बन रहा है। इस पे भी 11 इंटू 60 करेंगे तो, और इसमें y का मान 7 ही है, तो 77 प्लस 7 प्लस 77 84। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, तो डेफिनेटली वैल्यू कौन सा होंगे? x के लिए 12, y के लिए 7 और z के लिए आपके पास एक और एक 7, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम स्मार्टवे गुवाहाटी। होप्सो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लिए थे मैंने कुछ आज। आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, अगर आपने इस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर आगे नहीं हो पाएंगे सिलेक्शंस। ये सही बात है, आजकल एग्जाम्स बहुत हार्ड हो गया। अब अगर आप पहली बार एग्जाम्स देने जा रहे हो तो इस उम्मीद पे बिल्कुल मत जाइएगा कि इजी ही होंगे। शायद जो जिन लोगों ने ऑलरेडी 2 या 3 बार दे दिए होंगे एग्जाम, उनको पता लग गया होगा कि आप कौन से स्टैंडर्ड में थे और कौन से स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर से आते रहिएगा और मुझे प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार देते रहिएगा, ठीक है। तो सी यू अगेन कल टुमारो, फिर से और एक अच्छा जीएस के टॉपिक लेके आएंगे या फिर कुछ इंग्लिश या फिर रीजनिंग भी हो सकते हैं शायद। तो बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, जॉय ऑफ होम।